अलावा कोई विकल्प नहीं है। जनता का काम पड़ता है, रामपुर में हमेशा वो मिलते हैं, बाकी जितने कैंडिडेट हैं इनको ढूंढना पड़ेगा कहाँ मिलेंगे। पब्लिक का यही रुझान है कि मैं परिवर्तन की तरफ जा रहा हूँ। राजनीति यही से है, हमारे मालिक हैं राजनेता। हाँ भैया, आप रामपुर विधानसभा से, और हमारे यहाँ तो ये डिप्टी सिंह जो विधायक थे, ये तो तानाशाही का विधायक किए हैं 5 साल में, इसलिए जनता बिल्कुल बदलाव के लिए खड़ी हुई है। हम लोग सब आशा उम्मीद वो दिखता है, तो उनके विकास में लोग बाग पब्लिक दिखती है। ऐसा कोई काम है जो 5 सालों में भैया का जो रामपुर के लिए रहा हो, जो पब्लिक जानना चाहे? हर चीज है, जैसे 100 बेड का अस्पताल बनवा दिए, हॉस्पिटल अभी चालू है, और कई काम ऐसे हैं कि जो स्टेडियम लगातार जनसेवा में लगे हुए हैं, और जो भी किसी की भी समस्या होती है तो हर समस्या पे अपना हाथ बटाना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रमोद द खबरदार न्यूज़ से। आज मैं इस चुनावी सफ़र में रामपुर वाघियाना पहुंचा हूं, जहां पे मैं रूबरू हूंगा यहां की जनता से, देखते हैं इनका ओपिनियन क्या है, किसको अपना नेता चुनना चाहती है आगे आने वाले 5 सालों के लिए। तो हाँ भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज कुमार मल्ला जी है, मैं ग्राम चंदेही का हूँ। तो आप किसको अपना नेता चुनना चाह रहे हैं? हमारे विक्की भैया हैं विक्रम से। विक्रम भैया ही क्यों? विधायक जी। अच्छा, ऐसा क्या विक्रम भैया जी की क्या है उनकी? उन्होंने अभी तक 5 साल से जो अभी तक विधायक हैं, लगातार जनसेवा में लगे हुए हैं, और जो भी किसी की भी समस्या होती है तो हर समस्या पे अपना हाथ बटाना चाहिए। आपके हिसाब से कौन कौन हम अपने जानते हैं चल रहा, फिर भी वो यही आवाज दिलवाए हैं और अच्छा कार्यक्रम। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे, किसको विजयी बनाना चाहते हैं आप? मेरा नाम मुक्षल साकेत है, वार्ड नंबर 12 पर प्रत्याशी नागरिक हूँ। विक्की भैया को वोट देना चाहता हूँ, और जो विक्की भैया अभी युवावस्था में अभी तक काम किए हैं, शायद कोई इस आदमी की अपने समय की। जैसे और भी उम्मीदवार हैं दूसरी पार्टी से, विक्की भैया हो गए अपना भाजपा से, हो गए बसपा से, हो गए मगाज से, कांग्रेस से हो गए रामशंकर प्यासी जी, तो विक्की भैया ही को ही देना चाहते हैं? हमारे गाँव के हैं विधायक है, मंत्री हैं, गांव के और शुरू से राजनीति यहीं से है, हमारे मालिक हैं राजनेता। भैया, आपका नाम क्या है? श्रीकांत सोनी, रामपुर वगैरह से, वार्ड नंबर 8 से है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, जो भैया विकास करते हैं वो दिखता है, तो उनके विकास में लोग बाग पब्लिक दिखती है। ऐसा कोई काम है जो 5 सालों में भैया का जो रामपुर के लिए रहा हो, जो पब्लिक जानना चाहे? हर चीज़ है, जैसे 100 बेड का अस्पताल बनवा दिए, हॉस्पिटल अभी चालू है, और कई काम ऐसे हैं कि जो स्टेडियम चारों तरफ बनवा दिए हैं। जैसे आपने महत्वपूर्ण काम बताया, 100 बेड का अस्पताल बनवाया रामपुर में, और दूसरा स्टेडियम में चार स्टेडियम दे चुके हैं, मतलब उनके द्वारा काफी आईटीआई बन रहा है, आज जो दिखता है वही बिकता है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे शिक्षा का भी सुधार हुआ है? हेलो, धन्यवाद भैया। शिक्षा और स्वास्थ्य का भी। नमस्ते, द खबरदार न्यूज़ से मैं जानना चाह रहा था कि यहाँ की पब्लिक का क्या रुझान है रामपुर में, किसको आगे 5 साल के लिए चुनने वाली है, इसमें आप लोग का ओपिनियन क्या है? इसमें विक्की भैया, भारतीय जनता पार्टी। विक्की भैया जब से विधायक हुए हैं निरंतर वो क्षेत्र में ही दौड़ते रहे, इसलिए जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। तो आप कहना चाहते हैं कि विक्की भैया जनता से जुड़े हुए, ग्राउंड लेवल के लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, निरंतर जुड़े हुए रहते हैं? हाँ, इसलिए आप अरे वो जीतेंगे, उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जनता का काम पड़ता है, रामपुर में हमेशा वो मिलते हैं, बाकी जितने कैंडिडेट हैं इनको ढूंढना पड़ेगा कहाँ मिलेंगे। पब्लिक का यही रुझान है कि मैं परिवर्तन की तरफ जा रहा हूँ, परिवर्तन की लहर कहीं नहीं।
किसमें परिवर्तन करेंगे? सारी योजनाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दी, ये तो विरोधियों की लहर है, विरोधी केवल चिल्ला रही, जनता नहीं चिल्ला रही है कि परिवर्तन चाहती है। जैसा कि आपने सुना कि परिवर्तन की जो लहर है वो सिर्फ विरोधी नेताओं की लहर है, केवल नेता जो हमारे विरोध में लड़े हैं वो केवल लहर की चर्चा कर रहे हैं, जनता नहीं कर रही कहीं। धन्यवाद आपको। यहाँ पे जनता का मैं रुक जानूंगा कि क्या रुख है और जनता क्या चाहती है रामपुर में, किसको अपना नेता चुनना चाहती है। नाम शत्रुंजय सिंह है, मैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहा हूँ, वर्तमान में मैं जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष। तो यहाँ से जनता किसको विजयी बनाना चाहती है? देखिए, जनता का जो रुझान दिख रहा है वो रामनगर जैसी और कांग्रेस की तरफ, एक तरह से कांग्रेस की लहर चल रही है। आज जो हम लोग ने देखा है, जो समझा है, उसके हिसाब से हम लोग 1,00,000 के ऊपर जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे परिवारवाद है कुछ तरफ, जैसे आप देखिए कप्तान प्रताप सिंह जी, गोविंद सिंह जी, मुख्यमंत्री रहे हर सिंह जी और विक्की सिंह जी, परिवारवाद वहाँ चल रहा है, हमारा कांग्रेस परिवार यहाँ नहीं चल रहा। आपका उद्देश्य क्या है, आपके कैंडिडेट का उद्देश्य क्या है ऐसी चीज़ें कि हम नई हुकूमत आएंगे तो आपको क्या करेंगे? देखिए, हम सबसे पहला उद्देश्य है कि जनता की सेवा करना। आज आप देखिए स्वास्थ्य विभाग देख लीजिए, वहाँ पर ना डॉक्टर है ना कोई है, कुछ व्यवस्था पूरा सेटअप खत्म हुआ पड़ा है, और कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो OPD वाले उनको जीवा सत्ता रखने कर देते हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की रहेगी, इसके बाद रोड नाली और जो भी व्यवस्था है यहाँ पे सब पूरे किए जाएंगे। यहाँ जैसे अपना रामपुर किसानों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पे किसानों के लिए जो कुछ प्रावधान किए जाएंगे? सर, हम लोगों ने नहर के लिए आज से 2 साल पहले, जब हर सिंह मंत्री थी, 2 साल पहले नहर की काफ़ी लड़ाई हुई और वो सिंचाई मंत्री थी और उनका सहयोग न होने के कारण हमको नहर नहीं मिल सकती। आज नहर की दक्षिण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, और अगर नहर आ जाती है तो किसान संपन्न हो जाएगा। हम लोगों का पहला प्रयास रहेगा, यहाँ तक कि परम आदरणीय राजेंद्र जी का भी प्रयास रहेगा कि उनको नहर को भी लाभान्वित करेगी और हमारे क्षेत्र को भी लाभान्वित करेगी। ये जैसा कि आपने रुख देखा पब्लिक का, कि अब आपने सुना, ओपिनियन सुना पब्लिक का कि किधर जा रहा है, और मैं और भी बात करना चाहूँगा, आपका नाम नरेंद्र, आपका क्या ओपिनियन है, आप किधर पब्लिक जा रही है, क्यों जा रही है? आप भी बोलना चाहेंगे? आपका नाम? शिवेंद्र सिंह जी। आप? चौधरी सिंह जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से तो कांग्रेस जीत रही है हमारे रामपुर विधानसभा से, और हमारे यहाँ तो ये विक्की सिंह जो विधायक थे, ये तो तानाशाही का विधायक किए हैं 5 साल तक, इसलिए जनता बिल्कुल बदलाव के लिए खड़ी हुई है। हम लोग सब आशा उम्मीद के साथ जुड़े हुए हैं कि बदलाव निश्चित हमारी जनता करेगी। और जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपका नाम? तो कुंदन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? रामपुर वही पूरे फील्ड में जाना है और 100% जीत रही कांग्रेस। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं खबरदार न्यूज रामपुर वाकिया से, आप सुन रहे थे पब्लिक ओपिनियन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।